की किताब थी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ होती हैं। मैं जब भी फारिग होती हूँ मैं वो किताब पढ़ती हूँ। वाह, मुझे भी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। मैं भी पापा से कहूँगी कि मुझे भी कहानियों वाली किताब ला कर दे। हाँ ठीक है। बेटा क्या सोच रही हो? सलाम दादी जान, कुछ भी नहीं सोच रही, बस आज मैंने अपनी सहेली के पास कहानियों की किताब देखी थी तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी। अच्छा, तो तुम्हें कहानियाँ सुनने का शौक है? जी दादी जान, बहुत शौक है। चलो फिर आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। वाकई आप मुझे कहानी सुनाएंगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, बताओ कौन सी कहानी सुनोगी? दादी जान मुझे डरावनी कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। बेटा रोना कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो हम मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो आयतल कुर्सी है। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुड़ैल की कहानी सुनाती हूँ जो आयतल कुर्सी की ताकत से मर गई। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल के पास एक गांव था, वहाँ लोग हंसी खुशी रहा करते थे। फिर एक दिन कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे, एक छलावा दिखा। बच्चे चीखते चिल्लाते वहां से भाग गए। उन्होंने जाकर अपने घर वालों को बताया, मगर उन्होंने सुनकर बात को टाल दिया। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन एक बच्चा गायब हो गया। सब लोग परेशान हो गए कि वो कहां गए। वो बच्चा एक जंगल में जाके फंस गया, जहां उसे एक चुड़ैल दिखी जो लोगों का खून पकाती थी, और एक बोलता दरख्त। वो वहां से चीखता हुआ भाग निकला। आखिरकार उसे अपना गांव नजर आ गया और वो वापस आ गया। वहां पर उसने ये कहानी सबको सुनाई कि वहां एक चुड़ैल है। लोग और फिक्रमंद हो गए। गांव के बड़े मौलवी साहब ने सब लोगों को एक मशवरा दिया कि तुम लोग एक दुआ को याद कर लो, जब भी किसी को वो चुड़ैल नजर आए तो पढ़ कर उस पर फूंक दो, खुद ही भाग जाएगी। वो दुआ ये थी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्द मन ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور نگران ہے، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ لوگ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ خود چاہے، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن پھر ایک چھلاوا جو اس چڑیل کا خادم تھا گاؤں میں آ، جب لوگوں نے اس کو دیکھا اس کا خون کیا، وہ چھلاوا اسی وقت مر گیا۔ اور پھر جب بھی کچھ ایسا ہوتا تو لوگ یہی کرتے۔ اس طرح سب لوگ اللہ کے حفظ و امان میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کیا واقعی آئیتل کرسی میں اتنی طاقت ہوتی ہے دادی جان؟ ہاں بیٹا، اللہ پاک نے ہمیں آئیتل کرسی
कुर्सी दी है इसलिए है कि हम ऐसी चीजों से बच के रह सकें। फिर तो अब